जैसे ही आप हैंडल को गोल गोल घुमाते हैं, इस लाइट हाउस के ऊपर का जो एलईडी है वो एकदम रोशन होने लगता है। इस लाइट हाउस को बनाने के लिए आपको एक एलईडी, एक 6 वोल्ट का टॉय मोटर, पुरानी डीवीडी, एक लकड़ी का स्टैंड आदि चाहिए होगा। सबसे पहले बड़ी पुली बनाने के लिए आपको 2 पुरानी डीवीडी और एक गत्ते का चकती चाहिए होगी। पहले गोंद से चकती को आप एक डीवीडी पे चिपकाएं, फिर चकती पे आप गोंद लगा करके दूसरी डीवीडी को उसके ऊपर चिपका दें। इस तरह एक घिरनी बन जाएगी, पुली बन जाएगी। दोनों घिरनियों के बीच में एक ग्रूव, एक खांचा है। अभी देखिए, दोनों जो आपकी डीवीडी हैं उनके बाहर आप गोंद लगा करके एक एक स्टील का वॉशर फिट कर दें। आगे पीछे दोनों तरफ एक एक वॉशर होगा। उसके बाद में केंद्र से रिम तक मध्य में एक छेद बने, छेद करें और उसमें एक लंबा स्क्रू डाल दें। इस स्क्रू को आप एक नट से बिल्कुल फिक्स कर दें। ये हमारी पुली का हैंडल बन जाएगा। अब आप बीचों बीच एक लंबा स्क्रू डालें, दूसरी ओर एक सिलाई मशीन का बॉबिन डालें और इस स्क्रू को आप एक स्टैंड के वुडन आर्म में फंसा दें। अब ये आपकी एक्सल बन जाएगी पुली के घूमने की। जैसे ही आप हैंडल को घुमाएंगे, पुली गोल गोल घूमेगी। ये सुनिश्चित करें कि पुली एकदम स्मूथ घूमे। उसके बाद में एक 6 वोल्ट का खिलौने वाला मोटर लें, टॉय मोटर। उसके दोनों जो टर्मिनल्स पे एक एलईडी को अटैच कर दें और जैसे ही आप घिरनी को घुमाएंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे, एलईडी जलेगा, यानी मोटर एक जनरेटर का भी काम करेगा। अब अंत में एक बड़े रबर बैंड से छोटी पुली और बड़ी पुली को आपस में जोड़ दें। अब आपका मॉडल तैयार है। जैसे ही आप हैंडल को गोल गोल घुमाएंगे, वैसे ही बड़ी घिरनी छोटी घिरनी को मोटर की बहुत तेज से घुमाएगी। इससे मोटर के अंदर एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा और ऊपर का एलईडी तेज जलेगा, बिल्कुल एक लाइट हाउस जैसे। ये मॉडल इस बात को भी प्रूव करता है कि एक मोटर दरअसल में एक जनरेटर भी होता है। आप मोटर का इस्तेमाल एक जनरेटर के रूप में भी कर सकते हैं।